इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राउंड पर, जो इस वक्त अंपायरी कर रहे हैं रमेश बिंद जी, जो कि लगातार जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है तब से यहाँ पर इन्होंने अंपायरिंग किया। अभी तक का अनुभव क्या रहा है आपका इस अंपायरी में? इस अंपायरिंग में अंपायरिंग करना बहुत ही सबके बस की बात नहीं है। अंपायर एक निर्णायक होता है दोनों टीमें के लिए, पक्ष निपक्ष देखना पड़ता है कि दोनों टीमें बाहर से आई हैं खेलने के लिए तो किसी के पक्ष में, लेकिन थोड़ा बहुत होता है कि अंपायरों के बाद विवाद जाता है या किसी को रन आउट, यानी कि अंपायरों पर अंगुली उठाई जाती है। हाँ, उठाई जाती है तो 100% है, या रन आउट हुआ या LB किसी को दिया जाता है तो उस पर भी, या क्लियर LB रहे फिर भी अगर LB दिए जाए फिर भी उंगली उठती है, तो अंपायरों को अंपायरी निपक्ष करना चाहिए जिससे मैच में दोनों टीमें बनी रहें। हार जीत तो दोनों गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर है, कौन जीते कौन हारेगा, लेकिन अंपायरों का निर्णय सर्वमान्य है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी ये खिलाड़ी पहुँचे हैं, मैं चाहूँगा राज गुप्ता, मैच बिल्कुल फंसा हुआ, 12 बॉलों पर 25 रन चाहिए, आप 2 ओवर की गेंदबाजी किस तरह से करेंगे आप लोग? हमारी तरफ से अच्छी गेंदबाजी होगी, हम मैच को जीते, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम लोग मैच जीते। जी बहुत 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 धन्यवाद आरिफ भाई, PBS क्रिकेट लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद।